हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कभी। तो फ्रेंड्स, मैं दो वीडियो बनाऊंगा, एवी प्लेयर में फोटो कैसे लगाएं। तो फ्रेंड्स, वो दोनों का कमेंट भर भर के आया कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है भाई, एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, फोटो भी कई लोग नहीं लगा पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और नॉलेजेबल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, कई लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। इससे पहले इस वीडियो को लाइक प्लीज लाइक कर दीजिए, और जब एक्सपोर्ट करना हो तो अपना नेट ऑन कर लीजिएगा, सबसे पहले बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक ना प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमेशा ऐसे वीडियो हमेशा आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपना एवी प्लेयर को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं अपना एवी प्लेयर हो चुका है मेरा ओपन, जैसा कि मैं इसको पहले क्लियर डाटा कर देता हूँ। सब कुछ मैंने सेटिंग करके रखा, सब कुछ मैंने आपको पहले क्लियर डाटा कर देता हूँ। इस तरह आपको पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, इसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अवेलेबल हो गया, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन इसमें आ गया है। तो फ्रेंड्स, इसको ओपन कीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स, इसका इंटरफेस इस तरह आएगा, अलाउ एवी प्लेयर एक्सेस फोटो मीडिया। तो फ्रेंड्स, इसको अलाउ कर दिए, अगर डेनी कर देंगे तो आपका नहीं हो पाया, एग्री कर दीजिए। जैसे कि मेरा कट गया, जैसे कि मैं ओपन करता हूँ, उसके बाद एग्री कर दीजिए, बस हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, थ्री लाइन उस पर क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद आपको लाइब्रेरी पर क्लिक करना। जैसे कि एल्बम आपको कोई भी गाना मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि यही मैं माइक लगा इसीलिए आपको गाना सुनाई नहीं दिया। उसके बाद नीचे थर्ड नंबर विजुलाइजर कुछ भी लिखा होगा, मैं उस पर क्लिक कर दीजिए, थर्ड नंबर पर क्लिक कर। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कि मैं आपको लाइव इसी यही मेन है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको या आपको जो भी आपको थीम पसंद है, मतलब जो भी आप लगाना चाहते हैं, जैसा कि मैं देख लेता हूँ कोई भी अच्छा, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दूसरा लगाता हूँ, ये अच्छा मतलब अच्छा लग रहा है मुझे ये। और पेंसिल का आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पर इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद इमेज पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर कीप एस्पेक्ट रेशियो पर अन क्लिक कर दीजिएगा बस। और यहाँ पर कस्टम इमेज पर मिलेगा, उसको पिक इमेज कर लीजिएगा, जो भी आपका इमेज आपको चाहिए वो लगा लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको टेम्प्रोरी बताने के लिए मैं अपना कोई भी पिक लगाया देता हूँ, बस आपको टेम्प्रोरी बताने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं बैक साइड में एकदम पिक लग चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा, मतलब मैं पहले सॉन्ग को बंद कर देता हूँ। उसके बाद जैसे बैक साइड में मेरा पिक लग चुका है, उसके बाद दोबारा क्लिक करना है उस पर, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर पर इमेज का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद उस दोबारा इमेज पर क्लिक कीजिएगा और कीप एस्पेक्ट रेशियो को अन क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोबारा इसको कस्टम इमेज कीजिएगा। अब उसको मैं कोई भी मैं अपना पिक चूज कर, जैसे कि मैं ये पिक चूज कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिक लग चुका है। अगर आप कीप एस्पेक्ट रेशियो करेंगे तो आधा कट जाता है। आप ब्लर मतलब इसको भी अन क्लिक कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, बस हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम गाना एकदम धाकड़ बन चुका है। उसके बाद आपको पेंसिल अब कोई भी आपको इमेज लगाने का ऑप्शन नहीं देता है, पहले देता था अब नहीं देता है। तो बस अब एक्सपोर्ट कैसे करें, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस आप तो आपको एक्सपोर्ट कर देना है बस। जैसे कि लोडिंग लेगा, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 94 96 98, आप देख सकते हैं 100 हो चुका है, देखिए एक्सपोर्टिंग फिनिश्ड। अब इसको आते हैं अपने आते हैं एमएक्स प्लेयर में, अब आपको लाइव दिखाता हूँ, अब आप तब आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नो मीडिया फाइल्स अब आ गया, देखिए डाउनलोड में जाइएगा। और मैं पहले भी एक एक्सपोर्ट करके मतलब पहले ट्राई कर लेता हूँ, और तब उसके देखिए आप लोग सामने प्ले हो जा, आप देख सकते हैं हो गया। आप देखिए अब गाना प्ले हो रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है माइक लगे इसलिए आपको सुनाई नहीं देगा, आप मैं एकदम प्ले हो जाए। अब जो भी गाना आप देख सकते हैं एकदम डीजे रिमिक्सर ऐसा, एकदम बड़े बड़े डीजे रिमिक्सर इसी तरह बनाते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए बस। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करूंगा आज की वीडियो पसंद है। अगर पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा न्यू वीडियो ऐसे ही हमेशा आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।